अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी, हम कैलकुलस का कोर्स कंटिन्यू करते हैं अपना। 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आ जाता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। पहले कुछ डेफिनेशंस करते हैं, तो फर्दर क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ। कंटिन्यूस फंक्शन, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट सी एनी नंबर If and only if it satisfies the following three conditions। फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे हम किसी भी नंबर पे। फिलहाल हमारा टॉपिक एट अ नंबर है, यहां पे बेशक लिख लें ऑफ फंक्शन एट अ नंबर, सी इज एनी नंबर। क्वेश्चन करके अपना आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर वन, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड होना चाहिए, वैलिड फंक्शन होना चाहिए। नंबर टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। नंबर थ्री, डिफाइन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू एफ ऑफ सी डिफाइन फंक्शन। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? डिसकंटिन्यूस फंक्शन इफ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस, इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो और फेल टू होल्ड एट सी, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट सी। अगर कोई एक कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई ना हो रही हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। उसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस आता है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस फंक्शन का बिहेवियर बताना है, कंटिन्यूटी बतानी है, डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। एग्जांपल करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 5x + 4। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन को पूछने का भी तरीका होता है, आप जस्ट कंटिन्यू क्या कंटिन्यूटी पूछ ली है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कंटिन्यूटी में पूछा है तो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए, फाइंड ऑल द नंबर दैट व्हिच एफ इज डिसकंटिन्यूस, अब इस क्वेश्चन में क्लियर है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ये इस पॉइंट पे भी आ रहा है। सिमिलर यहाँ पे कंटिन्यूटी पूछ ली गई है, अगर ये बता देता सीधा ही कि ये फाइंड कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस तो है बस फाइंड कर ली, तो ये तरीका होता है हमारा डिस्कस कंटिन्यूटी। अब इसमें आप एंड तक सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लें फर्स्ट। एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन लिख लें, एक्स की जगह 1 पुट कर लें, 3 - 5 + 4 टू आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट सिमिलर फॉर एफ ऑफ एक्स के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू तो है कि अनडिफाइंड हो जाए कुछ ऐसा लिखने से, 3x² - 5x + 4, x की जगह 1 पुट कर लें, 3 - 5 + 4 नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चंस दी गई हैं। दोनों को देखें तो इक्वल आया आंसर, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। नाउ फॉर डिफाइन फंक्शन, बेसिकली कंडीशंस को जैसे मर्जी चेक कर लें, सीक्वेंस इज नॉट एन मैटर। एफ ओ 1 पुट करें फंक्शन में डायरेक्ट, x की जगह 1, 5x, x की जगह 1। फॉर डिफाइंड फंक्शन देखें तो आंसर यहां भी 2 आएगा। सो लिमिट एग्जिस्ट डिफाइंड फंक्शन 2, दोनों आंसर देखें, डेफिनेशन देखें, डिफाइंड फंक्शन एंड लिमिट एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन है, अगर ये दोनों इक्वल आए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमारा आंसर देखें तो लिमिट एग्जिस्ट है एंड डिफाइंड फंक्शन 2 है, और जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसका आंसर भी 2 है। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी, 1.5 हमारा जो कैलकुलस का कोर्स है, कैलकुलस की बुक है, एक्सरसाइज 1.5 बेसिकली कंटिन्यूटी और इसके अकॉर्डिंग ही है सारी एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। फाइंड आउट द नंबर्स एट व्हिच एफ इज डिसकंटीन्यूअस, वो नंबर फाइंड करने हैं जिसमें फंक्शन एफ डिसकंटीन्यूअस हो रहा होगा। क्वेश्चन देखें, 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, डिवाइड पे पेयर बना दें, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 12। काफी इजी चीजें बाहर आ गई है। तो फर्स्ट टू वैल्यू से x कॉमन x माइनस 6 प्लस नेक्स्ट टू वैल्यू से 2 कॉमन आएगा x माइनस 6, दोनों वैल्यूज में से x माइनस 6 कॉमन x प्लस 2 आ जाएगा। सो f इज डिसकंटीन्यूअस एट, अब यहां पे देखें क्या पुट करने से डिवाइड पे डिफाइंड आ जाएगा, प्लस का 6 पुट करें डिवाइड पे 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड। यहां पे x की जगह अगर माइनस का 2 पुट करें डिवाइड पे 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दीज आर द टू पॉइंट्स एट व्हिच फंक्शन f इज डिसकंटीन्यूअस, जिससे आपने सिंप्लीफाई करके वो पॉइंट्स बता दें। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डिवाइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पेयर बनेगा, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, टू नेगेटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव, फर्स्ट टू वैल्यू से x कॉमन माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 पेयर सेम बन गया, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 1 रह जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल कर दें ऊपर और नीचे 1 ओवर x प्लस 2, ये फंक्शन रह गया सिंप्लीफाई करने के बाद। सो f इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 2, ये फंक्शन माइनस 2 पे डिसकंटीन्यूअस होगा। इसके साथ आप लोगों ने कुछ 1.4 सेकंड ईयर में डिसकंटीन्यूअस के क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल्स देख लीजिएगा। 1.4 का पहला क्वेश्चन है जो थ्री पार्ट्स हैं उसके, बेहतर है उन्हें एक मरतबा सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इसके बाद ये जो इसके साथ दो क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने, उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये लेंगी, दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूसिटी ऑफ अ फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एट इंटरवल और फर्दर उसके क्वेश्चन, और 1.5 में फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।